अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम अनबॉक्सिंग अनदर ड्रेस बाय मुश्क मूनसून वेडिंग कलेक्शन। और वी हैव द कोड 09। बड़ा खूबसूरत ड्रेस दिख रहा है, लेट्स सी हाउ इट इज। अच्छा जी, ये एक तो इसका लाइनिंग का कपड़ा है, ग्रिप लाइनिंग है, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि शिफॉन के सूट्स के लिए सूटेबल नहीं होती ग्रिप, लेकिन 2.5 गज कपड़ा दिया हुआ है और 2.5 गज ऑब्वियसली इस फ्लेयर वाले ड्रेस के लिए काफ़ी नहीं होता। उसके बाद इसका फ्रंट बैक का कपड़ा है, कपड़ा जो है काफ़ी है तो इसका बहुत ज़बरदस्त घेर बन जाएगा जिस तरह फ्रंट में बना हुआ है। कलियाँ हैं इसकी, सारी कटेंगी और फिर सिलाई होंगी, तो टेलर का काम है। उसके बाद है ये इसकी स्लीव्स का कपड़ा है जो मेरे सामने आ गया, शिफॉन फैब्रिक है इसका, सॉरी अगर मैं मेंशन करना भूल गई। इसकी स्लीव्स का फैब्रिक है और स्लीव्स का बॉर्डर भी होना चाहिए। ये स्लीव्स का एक सैटिन का बॉर्डर है जो कि एप्लीक हो जाएगा एज पर, और इसको साथ साथ थोड़ा समेटते जाएं क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये इसका दामन का बॉर्डर है सैटिन का जो कि वो होगा, मैं इसको पूरा नहीं खोल रही, ये पूरा फ्रंट बैक का डबल है और जो है ये फ्रंट बैक पे पूरा एप्लीक होगा, ये वाली साइड ऊपर आएगी। उसके बाद कलियों की ये लेस नीवी है जो कि तमाम कलियों के ऊपर लगेगी। और फिर आते हैं इसकी बॉडी की तरफ। कलर इसका फोन सा शेड है और इसकी बॉडी के ऊपर हुआ है पूरा हैंड वर्क जो कि चिपक रहा है, दबका दबकी का काम जो है वो वैसे भी चिपक ही रहा होता है। अच्छा, ये इसकी फ्रंट, ये बैक की बॉडी है। अच्छा, ये है इसकी फ्रंट की बॉडी और इसमें भी खैर पिक्चर में यही दिखाया हुआ है कि सिर्फ मिडिल में ही काम आ रहा है और साइडों पर जो है ये पूरा प्लेन आ रहा है, तो उस हिसाब से तो फिर ठीक है। ये 15 इंचेस तकरीबन हो जाएगी। साइज जो है वो मैक्सिमम मीडियम हो जाएगा, या शायद इस्त्री करने से थोड़ा सा खींचेगा तो शायद लार्ज बन जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज नहीं बन सकता, अदरवाइज जो है प्लेन फैब्रिक फिर जोड़ लगाना पड़ेगा। उसके अलावा गला, आई एम सरप्राइज, या अच्छा सॉरी, ये बैक है, सो सॉरी, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये है फ्रंट इसका, और फ्रंट के ऊपर जो है पूरा हैंडवर्क हुआ है और बहुत खूबसूरत हैंडवर्क हुआ है। इसके ऊपर ऊपर पूरा दबका, नक्शी, पर्ल्स, डायमंडीज, और ये प्लास्टिक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त जो है वो कांच के ही नग लगे हुए। लेकिन ये कि जिस तरह पिक्चर में प्लेन दिख रहा है साइडों पर, साइड पे भी प्लेन आएगा और बॉडीज पे भी शायद 1 आध इंच आएगा क्योंकि लंबाई में फिर भी ये काफ़ी है और उसमें जो है थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा प्लेन है। उसके बाद ये पट्टी है जो कि सैटन की है, जो कि पूरे गले के अंदर से घूम कर आएगी इसके बीच में से, और ये पूरा फ्रंट ओपन, ये वाला स्टाइल अगर हम बात करें, ये वाला स्टाइल जब बनेगा तो पूरे फ्रंट ओपन पर ये वाली पट्टी आएगी और पूरे गले के ऊपर से आएगी, तो ये इसका फ्रंट बैक का मसला हल हो गया। उसके बाद ये इन्होंने पर्ल्स दिए हैं जो कि बैक पे इन्होंने लड़ियां बना के पर्ल्स की लगाई हुई हैं, और बैक के पैनल में बता चुकी हूँ जो फ्रंट और बैक का ये फैब्रिक है ये काफ़ी है, फ्लेयर इसका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद इसका नेट का दुपट्टा, ड्रेस है शिफॉन का और नेट का इसका दुपट्टा है, इसके ऊपर भी है पर्ल्स जो है वो पूरी एम्बेलिशमेंट हुई हुई है पर्ल्स की, जस्ट पर्ल्स की टचिंग है, और इसके लॉन्ग साइड पे बॉर्डर बना हुआ है, पल्लू पर बॉर्डर नहीं बना हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, मुश्क के तमाम सूट के साथ है, जितने भी सूट्स मैं अनबॉक्स कर रही हूँ, कि पिक्चर में दिखाया हुआ है बॉर्डर ऑल साइड है जबकि ऑल साइड नहीं है, लॉन्ग साइड पर बॉर्डर है, पल्लू की साइड पर कोई बॉर्डर नहीं है और ना ही कोई प्रोवाइड किया हुआ। ये तीसरा या चौथा ड्रेस है जिसके साथ ये इशू है और मेंशन भी नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है कि आप इसको कंप्लेन फिर नहीं कर सकते। और ये है इसके ट्राउजर का कपड़ा, तो ऐसे इतना ज्यादा जो है ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कलर इसका काफी खूबसूरत है, फोन सा कलर है, ऑल सीजनल जो है वो अच्छा होता है, और ओवरऑल इट्स नाइस वन। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।